व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अमन श्रीवास्तव ऑफिशियल। गाइस आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अमन श्रीवास्तव ऑफिशियल पर। और आज का जो हमारा ये व्लॉग होने वाला है, ये फिफ्थ व्लॉग है जबलपुर स्पेशल सीरीज़ का। तो अभी मैं हूँ अपने घर में, जैसा कि पीछे देख सकते हैं आप, ये अपना मकान है जबलपुर में। और आज हम लोग जाने वाले हैं त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर, जो कि 11वीं शताब्दी में बना है और काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी धार्मिक और काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का यह व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए बिना स्किप करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता जबलपुर शहर से कुल 13 किलोमीटर की दूरी पर तेवर गांव पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा राजा कर्ण देव ने इसका निर्माण करवाया था। यहां पर एक शिलालेख है जिससे इसकी पुष्टि होती है। यहां साल भर भक्तों का आवाजाही रहती है। नवरात्रि पर यहां पर रौनक देखने लायक होती है और दशहरा में उत्सव के कारण भी यहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ती है। त्रिपुर सुंदरी माता के तीन रूप बताए गए हैं, जिसमें राजराजेश्वरी, ललिता और महामाया हैं। गाइज आ चुके हैं हम लोग त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर। पीछे देख सकते हैं आप लोग, पूरी दुकान लगी हुई है और मम्मी पापा भी प्रसाद ले रहे हैं दुकान से। तो काफ़ी प्यारा मंदिर है। लगभग मैं यहाँ 2.5 साल के बाद आ रहा हूँ। अभी लास्ट बार मेरे नाना जी ने यहाँ पर भंडारा करवाया था जब मैं आया था। तो काफ़ी बड़ा और विशाल मंदिर है। एक बार हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, फिर आपको पूरा वीडियो बताता हूँ। और काफ़ी बार मैं बचपन में भी यहाँ बहुत बार आया हूँ। लगभग ये समझ के चलिए कि मैं 10-12 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो इस बार मैं आया तो मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ एक। तो चलिए अब अंदर जाते हैं और आपको पूरा वीडियो बताते हैं। तो गाइस अब हम लोगों ने ले लिया है प्रसाद, जैसा कि देख सकते हैं आप, चुनरी माता जी की और नदियल वगैरह ले लिया है। तो मैं अभी गेट पे आ चुका हूँ, ये गेट है पीछे। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और आपको पूरा व्लॉग बताते हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है तो मैं अंदर जाकर आपको पूरा व्लॉग बताता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अंदर। यहाँ पर जैसा कि पीछे बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है और मेन जो मूर्ति है वो पीछे है। यहाँ पर ज़्यादा फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैं जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए वीडियो इस वीडियो में डाल दूँगा, तो आप वीडियो देखते रहिए। ये नहीं है कि मैं डालूँगा नहीं, थोड़े बहुत वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूँगा मैं जितना हो सकेगा। जैसा कि अभी अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं थी भगवान के पास, तो मैंने आपके लिए बड़ी मुश्किल से एक फ़ोटो डाल दी है भगवान की। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि ये पूरे नारियल वगैरह बंधे हुए हैं, जिसकी भी मनोकामना यहाँ पर रहती है तो वो यहाँ पर नारियल बांध लेते हैं। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जगह है, काफ़ी बढ़िया मंदिर है और बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है ये मंदिर। काफ़ी बड़ा एरिया है
और यहाँ पर नारियल काफ़ी ज़्यादा हैं, देख सकते हैं आप, पूरे नारियल ही नारियल है दीवार पर। और यहाँ पर जो पीछे पूरे नारियल लगे हुए हैं, अभी मैंने आपको जो वीडियो में बताया है, और भी चीज़ें यहाँ की, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में बताता हूँ। तो गाइस यहाँ की जो मेन माता है उनका मंदिर ये है, जैसा कि पीछे लिख रहा है जवारा स्थल, तो मैं आपको अंदर जाकर पूरा वीडियो बताता हूँ। जो मेन माता है यहाँ की, जो कि जमीन से निकली थी, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर पता किया तो बता रहे हैं कि जो मेन माता जो जमीन से निकली थी वो ये माता है, और जो अंदर जो मेन माता है वो स्थापित की गई थी। बट जो मेन माता जो बताते हैं यहाँ की, जो कि जमीन से निकली थी, वो यही माता है। मैं आपको पूरा वीडियो बताता हूँ इनका। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर पूजा वगैरह, पूजा कथा जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं पीछे आप देख सकते हैं। अगर आपको कथा या पूजा वगैरह कुछ करवाना हो तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर नव दुर्गा के टाइम काफ़ी अच्छा मेला भरता है, तो आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर। और जैसा कि अगर आपको भंडारा वगैरह कुछ करवाना हो तो यहाँ पर वो भी करवा सकते हैं आप, क्योंकि 2 से 3 साल पहले मेरे नाना जी ने यहाँ पर भंडारा करवाया था जब मैं आया था लास्ट टाइम। और भी चीज़ें आपको मैं यहाँ की बताता हूँ, तो आप ब्लॉग देखते रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, और अभी जब आए बाहर तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिन बाद आए थे मंदिर त्रिपुर सुंदरी, काफ़ी मज़ा आया मंदिर आके, काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए भगवान के, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो दोस्तों अगर आप भी यहां पर भेड़ाघाट रोड पर अगर आएँ तो एक बार ज़रूर आएँ और देवी जी के दर्शन ज़रूर करें। काफ़ी मान्यता का मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो एक बार ज़रूर आइए, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये छोटा सा व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।